नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फेस्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। आज दिनांक 29 मार्च 2024 को थाना शालीमार गार्डन में पुलिस द्वारा मोबाइल आईफोन की बरामदगी के दौरान अभियुक्त ने भागने वक्त पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दाएं पैर में गोली लगी, जिसको घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। वैधानिक कार्रवाई की जा रही। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता आरिफ पुत्र अजीम निवासी बेटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद बताया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त आरिफ पर आपराधिक इतिहास, नोएडा गाजियाबाद व दिल्ली में लूट आदि के लगभग 10 अभियुक्त पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से एक आईफोन, 12 मोबाइल, एक तमंचा, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। गाजियाबाद से रोजुद्दीन की रिपोर्ट। आज दिनांक 29 मार्च 2024 को थाना शालीमार गार्डन पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 149/24 धारा 392 IPC में वांछित अभियुक्त आरिफ पुत्र अजीम को थाने लाया गया तो उसने बताया कि उसने लूटी हुई मोबाइल आईफोन 12 को प्रेम गली के पास एक खंडहर में छुपा दिया है। जब उसे फ़ोन की बरामदगी करने हेतु लाया गया तो उसने भागने का प्रयास करते हुए पुलिस पर जानलेवा फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की, इससे बदमाश को दाएं पैर में गोली लगी है तथा उसे इलाज हेतु जिला अस्पताल MMG भेजा गया है। इसके पास से लूटी हुई आईफोन 12, एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुई है। इस अभियुक्त पर नोएडा, गाजियाबाद एवं दिल्ली में लूट के लगभग 10 मुकदमे पंजीकृत हैं। आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।